हमने 30 डिस्कशन किए हैं और कल और आज की डेट में हमें 1,83,000 के रेवेन्यू जो रिकवर हो गया है जो हमने डिस्कशन किए। तो अपना आप किराया टाइम टू टाइम जमा कराते रहे, नहीं तो क्या होता है जो एक्चुअल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी काफ़ी लग जाता है तो कंज्यूमर को ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। अगर कंज्यूमर हर मंथ भी अगर अपना रेवेन्यू दे देता बिल जमा करा देता सकती है। अभी तो हम लोगों को खाली अवेयर कर रहे हैं कि आप सावधान रहिए, डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो कल तो आने वाले टाइम में काफ़ी पेनल्टी पड़ सकती है। तो आम लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा ये मैसेज है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना जो पेंडिंग जो है आपका जो एरियस है जल्दी से जल्दी जमा कराएं, डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट करें। हम नहीं जो चाहते हैं कि लोगों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लें, पेनल्टी डालें, जब लोग हमें मजबूर करेंगे तो हमें सब कुछ करना पड़ सकता है। धन्यवाद सर। ये भी हमारी मुहिम चलते रहेगी जब तक हमें ये पूरा जो है टारगेट अचीव नहीं हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल के कंपेरिजन में हम 24 लाख हमें रेवेन्यू कम है और इस साल जो टारगेट है जो पिछले साल टारगेट था उससे 10% ज़्यादा है। हमने ये दोनों जो चीज़ है 10% जो एक्स्ट्रा टारगेट है वो भी अचीव करना है और जो लास्ट है 24 लाख जो हम पीछे चल रहे हैं इस साल पिछले साल के कंपेरिजन में वो भी हमें रिकवर करना है। तो अगर कोई भी कंज्यूमर है एट अ टाइम नहीं दे सकता है जिसकी डिस्कशन होती है, हम नहीं बोलते कि पूरा दे दो, एटलीस्ट 33 इंस्टॉलमेंट में कंज्यूमर दे सकता है, पार्ट टाइम पेमेंट कर सकता है 3 इंस्टॉलमेंट में, तो ये जो है हम इतना तक कंज्यूमर की हेल्प कर सकते हैं।